सब्सक्राइब करने के बाद दबाइए बेल आइकन को और पाइए लेटेस्ट अपडेट टेक्निकल जस्टिस की तरफ से। हे गाइस, मैं मयंक हिरनंदानी आप सभी के सामने एक और अनबॉक्सिंग वीडियो ला रहा हूँ। हाँ दोस्तों, मैंने एक बदलाव अपनी वीडियो में किया है। प्रीवियस वीडियो जो थी मेरी वो सारी इंग्लिश में थी और अब जो मेरी वीडियोस आएंगी वो सारी हिंदी में होंगी। इस बार हमारे पास है इन फोकस टर्बो 5, जिसका हम अनबॉक्सिंग करेंगे और क्या क्या उसके स्पेक्ट्स हैं उन सबको भी देखेंगे। ये फोन की मात्र प्राइस है 6500, जो कि मेरे पास वेरियंट है वो है 2GB प्लस 16GB स्टोरेज के साथ, और इसका एक 8000 का मॉडल आता है उसकी स्टोरेज होती है 32GB और रैम होती है 3GB। और इसके बाद एक और इनका एक अच्छा मोबाइल है जैसे कि टर्बो 5 प्लस, जो कि बैटरी में कम है और पावर उसमें ज़्यादा है, जैसे कि 3GB और 4GB वेरिएंट में आ जाता है वो। जो ये फ़ोन है ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है क्योंकि इसमें 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 5000 mAh की बैटरी है और एक मीडियाटेक का प्रोसेसर, 2GB रैम और 16GB की इंटरनल मेमोरी, जिसमें से कंपनी हमको 10GB इंटरनल मेमोरी देती है 16GB को काट फूट के। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो की अनबॉक्सिंग। ये जब पैक आया था फोन तो मैंने इसको बहुत पहले ही खोल दिया था ये चेक करने के लिए कि अंदर का जो पीस है वो सही है कि नहीं है। अब जैसे कि हम इसकी अनबॉक्सिंग चालू करते हैं और ये हमारा डब्बा खुल गया है। इसके अंदर पहले की पहली चीज आ जाती है फोन। फोन को हम बाहर निकालते हैं। ये फोन है गोल्ड वेरिएंट में और इसके स्पेक्स लिखे हुए हैं जैसे कि 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 5MP फ्रंट, 5000 mAh की बैटरी, फिंगरप्रिंट स्कैनर और 2.5D कर्व स्क्रीन है। तो जैसे कि अब हम फोन को थोड़ा सा साइड रख देंगे और इसको बूट अप कर देते हैं। पहले फोन को अच्छे से ऑन कर देते हैं और इसकी ऊपर वाली स्क्रीन की लेयर भी हटा लेते हैं। पीछे से भी फोन पूरा गोल्ड है। जब तक फोन बूट अप हो रहा है इसको हम थोड़ा साइड में रख देते हैं। बाकी हम चले जाते हैं अगर डब्बे पे, तो डब्बे पे लिखा गया है कि इन फोकस का वारंटी कार्ड दिया गया है सबसे पहले। उसके बाद हम अगर पूरा डब्बा खोलें तो ये भी हमारा आउटलेट बाहर आ जाता है और अंदर इसकी मैनुअल आती है। मैनुअल इसकी एक बेसिक गाइड है जिसमें आपको पता पड़ जाता है पूरा फोन सही से कैसे काम करता है। और फिर इसके अंदर आता है इसका पावर ब्रेक। पावर ब्रेक को चल के खोल के देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या इसकी क्या वॉर है। एम पावर देख लेते हैं दोस्तों। इसकी रेटिंग है 5 volts 2 ampere, जैसा कि कंपनी ने दे रखा है पहले से ही। इसके कचरे को डालते हैं साइड में। ये रहा हमारा चार्जर, इसको साइड में रख देते हैं। ये है इसका सिम इजेक्टर टूल। और ये फ़ोन की एक ख़ास बात है कि ये बता देना चाहता हूँ कि ये एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है जिसमें एक नैनो सिम जाएंगी दो, या तो एक नैनो सिम या माइक्रो SD कार्ड। इसको भी हम थोड़ा साइड में रख देते हैं। उसके बाद आती है कंपनी की डेटा केबल। डेटा केबल आ गई है कंपनी की बाहर और ये है इसकी डेटा केबल। काफ़ी अच्छी दिख रही है। अंदर से 4 वायर सपोर्टेड है अंदर से ये। और दोस्तों इसमें बता देना चाहता हूँ, बॉक्स के अंदर कोई भी हेडफोन नहीं आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं इस चीज़ के साथ। तो इसमें लिखा है गेट स्टार्टेड, इंसर्ट सिम कार्ड। अभी नया नया फ़ोन है, सिम कार्ड डालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इस पर चाहे तो अपना बाद में इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं। फ्रेश स्टार्ट लिखा हुआ है। कंपनी पहले ही कह रही है कि फिंगरप्रिंट और पैटर्न के साथ खोलते हैं। तो इसमें लिखा है रिक्वायर अ पैटर्न टू स्टार्ट। मैं जब तक पैटर्न बना लेता हूं।
सेटअप लेटर, फोन हो गया है चालू और कंपनी हमें 49% बैटरी चार्ज करके दे रही है। और चलिए इसमें चेक कर लेते हैं कि लेटेस्ट अपडेट कौन सा चल रहा है फोन में। लेटेस्ट अपडेट है 7.0, एंड्रॉयड वर्जन मार्शमेलो का है। तो कंपनी अच्छी बात है कि नोगट आपको साथ में दे रही है 6000 के फोन में, और अगर लगता है कि इसमें ओरियो अपडेट भी पक्का पक्का सा आ जाएगा। और इसका एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि इसकी क्या चार्जिंग स्पीड रहेगी और कैसे ये काम करेगा फोन, इन सब की एक अलग से वीडियो बन के आएगी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, और इस फोन का चलो मैं आपको एक बार खोल के दिखा देता हूँ कि क्या नैनो सिम ट्रे का आपको इसमें मिलेगा। ये मैंने बोला था कि जैसे कि ये हाइब्रिड सिम स्लॉट है तो काफी अच्छी सिम स्लॉट है, और इसमें थोड़ा बहुत शायोमी का फोन है, जैसे उसमें भी ईयरफोन नहीं आता है, तो ये कंपनी आपको ईयरफोन नहीं दे रही है साथ में। तो अपसेट होने की दोस्तों की बात नहीं है, आप ईयरफोन बाहर से भी खरीद सकते हैं। और इसकी एक बार फिंगरप्रिंट्स चेक कर लेते हैं कितना पावरफुल है। तो पहले ये हमसे एडिशनल सिक्योरिटी मांग रहा है, अब लॉक करके हम खोलते हैं। वेरी फास्ट, काफी मतलब फास्ट फोन है, और 2GB रैम है और मीडिया टेक का प्रोसेसर है। थैंक्स दोस्तों।